पूरा देश जहां कोरोना जैसी संक्रामक महामारी जैसी बीमारी से लड़ रहा है, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा पूरा देश 21 दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया है। जनता की सुरक्षा को लेकर गांव-गांव, शहर-शहर की गलियां लॉकडाउन का पालन करने लगी हैं और सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जहाँ पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है, वहीं इन पुलिसकर्मियों की जनता की सुरक्षा का जिम्मा संभाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी बेबसी पर आंसू बहाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पर लोग स्वास्थ्य कर्मचारियों के पास कोरोना जैसी भयंकर बीमारी की जांच के लिए कोई मापक यंत्र भी नहीं है। सिर्फ डिस्टेंस बनाकर आवाजाही करने वाले लोगों से पूछताछ कर उनकी बात पर यकीन कर यानी तुम पर भरोसा किया जा रहा है, शायद जिसके चलते दिल्ली मरकज से आए लोगों की जांच कैसे हो। हमारे यहाँ हमारी टीम बॉर्डर पे लगी हुई है और वो लक्षणों के आधार पे लोगों को शॉर्ट आउट कर रही है। जो लोगों में बुखार, खांसी या जुकाम के लक्षण मिलते हैं तो उनको CSC पे रेफर कर देते हैं और CSC पे उनका प्रॉपर इलाज किया जाता है। अस्पताल में संसाधन पूर्ण है, यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं, हमारे पास सब कुछ व्यवस्था है। केवल एक जो थर्मामीटर है उनकी कमी है, क्योंकि विदेश से आते हैं और उनकी सप्लाई नहीं हो पा रही है तो ये नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर्स के लिए हमारे पास N95 मास्क की व्यवस्था है और उनको दिए जाए। हमारे ये सील की कार्यवाही तो चल ही रही है, हम तो कब से ड्यूटी पे लगे हुए हैं और फिलहाल ये बॉर्डर सील है जो मैंने आपको बताया था और इस तरह से हम ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी हमारे चौकी क्षेत्र में भी काफ़ी ऐसे चोर रास्ते हैं, गुप्त रास्ते हैं, उनको बंद कर दिया है, बैरिकेडिंग्स कर दिए हैं, बंद कर दिया है और वॉलंटियर लगा दिए हैं पूरी तरह। हाँ, पूरी तरह से सुरक्षित कर दिए सर। एक तरफ आप देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं और सर इसमें आपकी जान को खतरा भी है, इसमें सर सुरक्षा की दृष्टि से आपने जो अपने सिपाही हैं उनके लिए क्या निर्देश जारी किए? मैं लगातार अपने स्टाफ के साथ लगा रहता हूँ, सोशल डिस्टेंस हम बिल्कुल अपनाए हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर जो अपना नाम नंबर नोट कराते हैं उनके लिए भी हमने यहाँ पर पूरी डिस्टेंस की व्यवस्था की है और ये चौकी के सभी स्टाफ के लिए निर्देश दिए गए हैं कि बिल्कुल आप सेफ डिस्टेंस में रहेंगे। जो भी व्यक्ति हमारे में से बाहर जाता है वो आकर के पूरा सैनिटाइज होता है, तब जाके वो अंदर आता है। और इस चौकी के अंदर देखिए पूरा बंद कर रखा है और अंदर जाने की अनुमति नहीं है किसी को, इंक्लूडिंग मी। मैं भी जब जाता हूँ तो पूरा सैनिटाइज होकर ही अंदर जाता हूँ।